नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आशा किचन पे। आज हम बनाने जा रहे हैं 10 केजी आम का अचार। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो देखिए, हमने लिया है 10 केजी आम। इसका डंठल हमने काट लिया है। इसको एक घंटे के लिए पानी में डाल देंगे, फिर पानी से निकाल के इसको काट के हम धो लेंगे। तो देखिए, इसको हमने काट के धो लिया है। अब इस हम कटे हुए आम को डब्बे में डाल लेते हैं। ये 10 केजी आम है, तो इसमें लगभग हम 500 ग्राम नमक डालेंगे। ये 1 केजी का पैकेट है, हम 500 ग्राम इसमें से डालेंगे। और इसमें हल्दी भी 100 ग्राम के लगभग डालेंगे। तो फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसको हम बंद करके एक दिन के लिए रख देंगे। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं मसाले। हमने 200 ग्राम धनिया लिया है, 200 ग्राम जीरा, 200 ग्राम अजवाइन, 200 ग्राम सौंफ, 200 ग्राम सरसों, 100 ग्राम मेथी। मेथी थोड़ी कड़वी होती है इसलिए कम डालना चाहिए। 50 ग्राम मंगरेल, 1 चम्मच हींग और 500 ग्राम नमक और 2 लीटर तेल और 100 ग्राम हमने ये हल्दी लिया है और इसमें 300 ग्राम मिर्चा लेंगे। और इस सारे मसाले को हल्का भून के पीस लेंगे। तो देखिए, मसाले को हमने भून के पीस लिया है और ये आम को हम डब्बे से निकाल के एक दिन के लिए धूप में रख दिए थे। ये आम भी सूख चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले को डालेंगे। ये मंगरेल भी हम डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे और 500 ग्राम नमक है इसको भी हम डाल देंगे। और फिर हम इसमें 1 लीटर सरसों तेल डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम एक प्लास्टिक का जार में इसको डाल देंगे। प्लास्टिक का जार बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा अचार बन के बिल्कुल तैयार है। इसको हम 8 दिन के लिए धूप में रख देंगे। 8 दिन बाद इसमें 1 लीटर तेल डालेंगे। फिर हम इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट अचार बना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।